अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी रही मीटिंग आपकी? मीटिंग बहुत अच्छी रही है और इंशाल्लाह इंशाल्लाह मोशन भी पक्की है। वेरी गुड। अच्छा अरम, मैं सोच रही थी कि जो आपका लोन अप्रूव हुआ है उन्हीं पैसों से मैं अपना लोन पे कर दूं, एक्सपेंस थोड़ा कम हो जाएगा, आप क्या कहते हैं? अरहम, आपसे बात कर रही हूँ, आपके लोन वाले पैसों से मैं अपना लोन पे कर दूं? सुनाया, मैं सुबह तुम्हें बताना भूल गया था। वो क्या यार, वो पैसे मैंने भाभीया को दी थी, वो मुश्किल में थी। क्या? और हमारी जरूरत का क्या? आपने उसे पैसे देने से पहले एक बार भी मुझसे नहीं पूछा, इतनी बड़ी अमाउंट दे दी, वो भी एक केयर टेकर को। सुनाया, किसी की मदद करना भी तो अच्छी बात है, उसकी सैलरी से काट लेंगे। चंद हजार रुपए देकर मदद की जा सकती थी अरम, लाखों रुपए देने की क्या जरूरत थी? और उन पैसों से हमारी कितनी जरूरतें पूरी हो सकती थी? पता है आपको, पिछले दिनों उन्हीं पैसों के लिए कितना कुछ बर्दाश्त किया है हमने। सुनाया, ट्राई टू अंडरस्टैंड, किसने कहा था अम्मी की बात को रद्द नहीं कर सकता, तो मुझे हेल्प तो करनी थी। देखो तो सुनाया, प्लीज। घबराने की जरूरत नहीं है, मैं शरीफ इंसान हूं, बदले में आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। कौन था वो? कौन? वही जिसकी गाड़ी से तुम हजारों शिकस्ता अरमान लेके उतरी थी। वैसे तुम्हारे अरमान भी यही थे ना, बड़ा बंगला हो, गाड़ी हो, पैसा हो। लेकिन यहाँ ना तो गाड़ी है और ना ही गाड़ी वाला। आप ही बोलने से पहले सोच तो लिया करें। सोच में तो तुम उलझी भी लग रही हो फबिया। आप जैसे समझ रही हूं वैसे कुछ भी नहीं है, किसी की शौहर है, वो दो बच्चों के बाप हैं, वो तो बस इंसानियत की खातिर घर तक छोड़ने आ गए थे। इंसानियत? ओ लेकिन फबिया, ये इंसानियत पहले तो तुम्हें किसी ने नहीं दिखाई। अभी प्लीज, मुझे इस वक्त आपसे कोई बहस नहीं करनी। हाँ भाई, तुम अब हमारे मुंह क्यों लगोगे? लेकिन बहुत खुशकिस्मत है तुम्हारी मैडम, इतना बड़ा घर है, गाड़ी है, पैसा है, और ऊपर से इतना हैंडसम और खूबसूरत शौहर भी। कल ही फेसबुक पर मैंने पढ़ा था, ऑल इन वन, और एक तुम्हारा हमजा है। वैसे सच पूछो तो तुम भी अपनी किस्मत बना सकती हो, मौके से फायदा उठाना सीखो, जिंदगी सवर जाएगी तुम्हारी। फबिया, तुम्हारे व्हाट्सएप डीबी में तो उनकी तस्वीर होगी ना, मुझे दिखाओ। क्या हो गया अभी? भाई मैं दूर और करीब का फर्क दिखना चाहती हूँ, दिखाओ तो सही। तो करीब से और ज्यादा खूबसूरत है, कहीं से लग ही नहीं रहा दो बच्चों के बाप है यार। और तुम्हें घर भी छोड़ने आए थे, तो इसका मतलब दिल के भी अच्छे होंगे। कुछ भी फबिया, जरूरत और ख्वाहिश जब इंसान की पूरी नहीं होती है ना, तो वो हसरत बन जाती है, फिर इंसान उन्हीं हसरतों के नीचे दबके दफन हो जाता है। ध्यान से, थैंक यू।
वैसे सच पूछूं तो तुम भी अपनी किस्मत बना सकती हो। मौके से फायदा उठाना सीखो, जिंदगी सवर जाएगी तुम्हारी। क्या हुआ? वो हर रूम को ना पैसे वापस कर दिए मैंने। किसने दिए पैसे? हमजा? अरे नहीं अम्मी, वो हमजा है, किसी मिनिस्टर की औलाद थोड़ी। तो फिर अरहम की अम्मी ने, हम की अम्मी ने, अच्छा बड़ी अच्छी खातून, अल्लाह इसका अजर उनको जरूर दे। आमीन। अच्छा अम्मी मैं चलती हूँ, और आप आपस से प्लीज उलझने की कोशिश मत कीजिएगा। मुझे निकलना है, मैं जा रहा हूँ। ये रहा आपका सैंडविच। आप क्या खाएंगे, फ्राइड एग या ऑमलेट? जो आपका दिल है आज वो खिला दे, मैं मम्मी को लेकर आता। मम्मा मुझे खिला दे। मामा कैसे खिला दे, मामा ने अभी बहुत सारे काम करने, ऑफिस से देर हो रही है, बाबा के लिए ऑमलेट बनाना है। आप जल्दी से खुद खाओ, देखो मैं ना भी तो खुद खा रही है ना। आई प्रोमिस कल से मैं अपने बेटे को अपने हाथ से खाना खिलाऊंगी। अरे आप तो इतने अच्छे लग रहे हो। मेरे स्कूल में आएंगी? कोशिश करूंगी। अरे भाई फबिया भी आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो जीती रहो। लाओ भाई कोई जूस पिला दो थोड़ा सा। नहीं नहीं, रोज खाने से पहले इंसुलिन लगती है ना, आज भी लगेगी। अच्छा भाई लगा दो, मैं अभी लेकर आई। वाह क्या बात, फबिया के आने के बाद ना कोई सेहत, मूड भी इतना अच्छा। सिर्फ मैं ही नहीं बदली हूँ अरहम, फबिया के आने से हमारा सारा घर बदल गया है। ना गुस्सा करने की कोई वजह है, ना जिद करने की। इस लड़की ने तो सब बदल दिया। तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा? मम्मी से बात करने की क्या जरूरत थी? आप गलत समझ रही हैं, मैंने उनसे पैसे नहीं मांगे, वो तो उन्होंने खुद से। अपने रोने रो के उनकी हमदर्दी बटोर रही थी, और कह रही हो कि उन्होंने खुद ही तुम्हें पैसे दे दिए। चंद हजार में और लाखों में फर्क होता है, पता है ना? देखो फबिया, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि जिस काम के लिए तुम्हें रखा गया है वो ही करो तो बेहतर है। जी कभी कभी मजबूरियाँ इतनी सख्त होती हैं कि इनकार जैसे लफ्ज मुंह से छीन लेती है। शायद इसलिए मैं इनकार नहीं कर पाई, लेकिन आप फिक्र मत करें, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। गैरतमंद लगती हो, इतना ख्याल रखना, आइंदा अपने दुखड़े अम्मी के सामने मत रोना। उनकी जिम्मेदारी दी गई है तुम्हें, सिर्फ उन्हीं का ख्याल रखो, बच्चों से दूर रहना।